गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है आरबीएससी क्लास ट्वेल्थ सीबी सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक विकारी तथा अविकारी पद। डिस्क्रिप्शन विकारी व अविकारी पदों का परिचय, पद परिचय। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पद परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले अपने विकारी और अविकारी पदों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समुच्चयबोधक, क्रिया विशेषण ये क्या होते हैं। आज अपन इनका पद परिचय करेंगे। क्रिया का पद परिचय कि क्रिया जो विकारी पद होता है उसका पद परिचय किस प्रकार के से किया जाता है। तो क्रिया का पद परिचय करने हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है, जिनमें पहला है क्रिया का भेद कि कर्म रचना के आधार पर कौन सी क्रिया होगी, वचन एक वचन और बहुवचन, लिंग पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग, काल वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में से कौन सा होगा, वाच्य कृतवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य में से कौन सा होगा, और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में संबंध। क्रिया का मतलब क्रिया का पद परिचय करने के लिए क्रिया का भेद, वचन, लिंग, काल, वाच्य और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में क्रिया का संबंध, इन बातों का ध्यान रख करके फिर क्रिया का पद परिचय किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि श्रीकांत पुस्तक पढ़कर घर को जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा जो क्रिया है उसका अपन पद परिचय करेंगे। इसमें दो क्रियाएं, एक पढ़कर और एक जाएगा। तो पहले पढ़कर के करेंगे, ये पूर्वकालिक क्रिया है, कर्तृवाच्य, इसमें एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्म पुस्तक और कर्ता श्रीकांत, ये संबंध हो गया। जाएगा क्रिया सकर्मक क्रिया होगी, एक वचन होगा, इसमें पुल्लिंग शब्द होगा, भविष्य काल होगा, कर्तृवाच्य होगा, कर्म घर होगा और कर्ता श्रीकांत होगा। इस तरह से ये अपन व्याकरण की दृष्टि से पढ़कर और जाएगा जो क्रिया उसका संपूर्ण परिचय दिया, इसलिए इसको पद परिचय कहा जाएगा। आगे है क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण का पद परिचय करने हेतु निम्न दो बातों का ध्यान रखा जाता है, क्रिया विशेषण का प्रकार और उसकी विशेषता। जैसे वह कल आएगा और यहाँ सोएगा, तो यहाँ पे कल और यहाँ ये अव्यय शब्द है, क्रिया विशेषण के अव्यय शब्द हैं ये। तो कल का पद परिचय करेंगे, ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, इसमें आएगा क्रिया का समय सूचित कर रहा है। इसी तरह से यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा इसमें, और सोएगा क्रिया के स्थान को सूचित कर रहा है। इस तरह से ये दो पॉइंटों के आधार पर अपन क्रिया विशेषण का पद परिचय करते हैं। आगे देखते हैं प्रक्रिया विशेषण का पद परिचय। प्रक्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको प्रक्रिया विशेषण कहते हैं, उनका पद परिचय कैसे होगा। तो प्रक्रिया विशेषण द्वारा क्रिया पद विशेषण की विशेषता बताई जाती है। जैसे अरविंद बहुत धीरे चलता है, अब यहाँ पे बहुत जो शब्द है वो प्रक्रिया विशेषण होगा और धीरे क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो अरविंद बहुत धीरे चलता है, अब इसमें धीरे चलता है ये क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बहुत शब्द बता रहा है, ये प्रक्रिया विशेषण हुआ। तो ये प्रक्रिया विशेषण और धीरे शब्द की विशेषता बता रहा है, ये दो पॉइंटों के आधार पर इसका पद परिचय हुआ। आगे देखते हैं प्रविशेषण का पद परिचय। प्रविशेषण पद परिचय में दो बातों का ध्यान रखा जाता है, एक प्रविशेषण और एक विशेषण की विशेषता। जैसे चंद्रगुप्त बहुत पराक्रमी शासक था, तो यहाँ पे पराक्रमी विशेषण शब्द है और उसकी विशेषता बहुत शब्द बता रहा है, तो ये प्रविशेषण हो गया। इसलिए बहुत प्रविशेषण और पराक्रमी विशेषण की विशेषता बता रहा है। इस तरह से प्रविशेषण का पद परिचय किया जाता है। आगे देते हैं अव्यय पद परिचय, जो अव्यय शब्द होते हैं उनका पद परिचय। तो अव्यय पदों का पद परिचय करने हेतु दो बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है, एक तो अव्यय का प्रकार, जो अविकारी पद होते हैं उसका प्रकार देखेंगे, और फिर क्या बोध करा रहा है, मतलब क्या हमारे को कौन सा भाव जो है वो प्रकट कर रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। जैसे आ है मैं लूट गया, आ है मैं लूट गया, तो आ है विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है, ये प्रकार आ गया और शोक का भाव प्रकट कर रहा है, शोक का बोध करा रहा है। आगे समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय। उदाहरण इसका गुरु और शिष्य कहाँ गए हैं, तो और जो है ये यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, तो इसका पद परिचय करेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय है
और गुरु और शिष्य शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हुआ। आगे दूसरा उदाहरण इसका, वे बुद्धिमान है परंतु अनुभवी नहीं। तो परंतु यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय है, तो समुच्चय बोधक अव्यय और बुद्धिमान व अनुभवी शब्दों को पृथक कर रहा है या जोड़ रहा है, इसलिए इन दोनों उदाहरण में समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होंगे। अगला है संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। जैसे घर के पीछे बगीचा है, तो के पीछे यहाँ पे अव्यय शब्द है, संबंध बोधक अव्यय शब्द है, तो संबंध बोधक अव्यय ये इसका भेद हो गया और घर संज्ञा का अन्य शब्दों के साथ में संबंध प्रकट कर रहा है। मतलब घर जो है उसका बगीचे के साथ में संबंध व्यक्त के पीछे जो शब्द है वो व्यक्त कर रहा है। सड़क के पार बगीचा है, तो के पार जो है वो संबंध बोधक अव्यय है और सड़क संज्ञा का शेष शब्द जो है बगीचा उसके साथ में संबंध व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार से ये अव्यय शब्द जो होता है उनका पद परिचय इस प्रकार से किया गया है। धन्यवाद।